Hello students, welcome to your history class. This is our fifth lecture of the chapter The Making of the Global World. In this lecture we are going to read about Bretton Woods institution and post war economic system. ये जो हमारा इंटर वॉर इकोनॉमी था, इसके बाद में लोगों को ये समझ में आने लगा कि अगर हम मास प्रोडक्शन अगर बनाते हैं तो उसके लिए मास कंजप्शन भी जरूरी है. जब तक लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल नहीं होगा तब तक लोग खरीदेंगे कैसे चीजों को. तो ये सोचकर लोगों ने, ये सारे लोगों ने, पब्लिक ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि यहां गवर्नमेंट का जो रोल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. गवर्नमेंट शुड गिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू ईच एंड एवरी वन लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री. जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो वो रिसोर्सेज को खरीदेंगे कहां से. तो ये था हमारा जो इसके बाद में जो हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया वॉर के बाद में कि मास प्रोडक्शन बनाने से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. इसके बाद में ब्रिटन वुड एग्रीमेंट साइन किया गया. वहां पे वर्ल्ड बैंक और ब्रिटन वुड में न्यू हेमिस्फेयर में यूएसए में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक को ब्रिटन वुड के नाम से जाना जाता था. इंस्टीट्यूशंस, ये जो इंस्टीट्यूशंस बने थे बेसिकली दीज टू इंस्टीट्यूशंस वर डोमिनेटेड बाय सुपर पावर्स. ज्यादातर ये जो इनमें पैसा भी जिसने खर्च किया था, बिकॉज दीज इंस्टीट्यूशंस बेसिकली सेटअप टू रिकवरी द वॉर एक्सपेंसेस. जो छोटे छोटे कंट्रीज थे उनको लोन देने के लिए ये सेटअप किए गए थे. पर यहां पे क्या हो रहा था, डोमिनेंस उन्हीं सुपर पावर्स का था क्योंकि पैसा भी उन्हीं लोगों का लगा हुआ था वहां पे वर्ल्ड बैंक में. तो वो लोग लोन प्रोवाइड करते थे तो वो उन्हीं अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग वो लोगों को लोन प्रोवाइड करते थे. और यहां पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को उन्होंने फॉलो कर रखा था. तो इसकी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज थे और अंडर डेवलप्ड कंट्री थे उनको ये सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं आया और इन्होंने उसको ज्वाइन करने से रिफ्यूज कर दिया बिकॉज दे वर नॉट बेनिफिटेड विद दिस सिस्टम. सो आफ्टर दैट दिस ब्रिटन वुड एग्रीमेंट वॉज कैंसिल्ड एंड ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस था वो अभी भी एज इट इज चल रहा था. अब लोगों में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में डीकोलोनाइजेशन का सिस्टम शुरू हो गया. अब लोगों ने, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी थी और बहुत ज्यादा पॉवर्टी थी, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज देर वर सो मेनी पुअर पीपल वर लिविंग, उनके वहां स्टार्वेशन की कंडीशन थी. सो नाउ दे वॉन्टेड टू मेक देमसेल्फ फ्री फ्रॉम द देयर मास्टर्स. अब ज्यादातर जो लोग हैं, फ्रीडम स्ट्रगल वहां पे शुरू हो गया था. हम इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं, गांधी जी ने उस टाइम हमारा फ्रीडम स्ट्रगल शुरू कर दिया था एंड वी वर आल्सो फॉलोइंग डीकोलोनाइजेशन सिस्टम. इसी तरह और भी बहुत सारे कंट्रीज थे जिन्होंने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया एंड स्लोली स्लोली दे हैव स्टार्टेड गेटिंग फ्रीडम एंड दे हैव स्टार्टेड डेवलपिंग देमसेल्व्स. उसमें से हमारे इंडिया था, चाइना था, ब्राजील था, बहुत सारे कंट्रीज थे जो डेवलपिंग कंट्रीज की लाइन में खड़े हो गए थे. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ आवर टुडेज लेक्चर. हैव अ नाइस डे. वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेसन. थैंक यू.